हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारी एक और रैंडम वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं जियो सिनेमा पे आई एकदम फ्री में ब्लडी डैडी मूवी के बारे में। बताऊंगा जो आपको फ्री में चीज प्रोवाइड की जा रही है वो देखने लायक है भी कि नहीं। तो स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, जो कि ऑब्वियसली एकदम स्पॉइल फ्री होने वाली है। स्पॉइल फ्री यार, मैं इतना फ्री फ्री क्यों बोल रहा हूँ। एनीवे, स्टोरी हमें एक दिन की कहानी बताती है, जहाँ सुबह मूवी स्टार्ट होती है और शाम को कांड होके खत्म, मतलब मूवी में शाम को कांड होके खत्म, जहाँ एक गैंगस्टर का बैग हो जाता है चोरी, जो कि मिल जाता है हमारे शाहिद कपूर भाई साहब को, और उसमें होता है कुछ बेशकीमती। अब वो मैं बता नहीं सकता, समझ जाओ। और तो और इसी बैग के पीछे पड़े होते हैं कुछ और गैंगस्टर, जिसकी वजह से मूवी में चालू हो जाता है एक यूनिक तरीके का चेजिंग गेम, जिसको देख के भाई मजा तो आया मुझे। और भाई इसी मजे के बीच मुझे एक बात भी पता चली कि ये एक फ्रेंच मूवी का रीमेक है। जाने दो, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसके एक्शन के बारे में। तो भाई जिस जिसने इसका ट्रेलर देखा उसको जॉन विक वाली वाइब तो जरूर आई होगी, क्योंकि मुझे भी आई है, और वो चीज हमें मूवी में दिखती भी है। भाई मेकर्स ने काफी हद तक जॉन विक के एक्शन लेवल को मैच करने की कोशिश की है, पर बॉलीवुड पर ऐसा मत समझना कि इसका एक्शन खराब है। भाई फाइट सीक्वेंस देखने में मजा आता है, और यहाँ हीरो सिर्फ मारता नहीं बल्कि मार खा के गिरता भी है, जिसकी वजह से इसका एक्शन थोड़ा फ्रेश फील होता है। और भाई कहना पड़ेगा एक्शन के मामले में भी इसने काम काफी अच्छा किया है। बात करें एक्टर्स के बारे में तो भाई जो मेन लीड है शाहिद कपूर, भाई इस बंदे को एक्शन रोल थोड़े ज्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है इसके वो हम समझ पाते हैं, जैसे गुस्सा हो, बदला लेना हो, या वो टूट चुका हो। भाई ये सब चीजें शाहिद कपूर ने काफी अच्छे से डिलीवर की है ऑडियंस को। और जब अपना हीरो गिरता है फिर उसके बाद वो खड़ा होता है, उसके उसी जुनून को देख के भाई मेरा भी मन कर रहा था रुक मैं भी आता हूँ, एक दो घुसे मैं भी मारूंगा, पर फैंटेसी को काबू में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और भाई कई बार तो मेरे सामने सीरियस एक्शन सीन आए थे, जिसे देख के मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। ओवरऑल मूवी में सब ठीक था, और मूवी में बाकी एक्टर्स ने भी काफी सही काम किया है, सब एक से बढ़कर एक अंडररेटेड हैं। तो भाई इसकी पूरी कुंडली ये निकल के आती है कि अंबानी साहब ने आपको फ्री का कह के लूटा तो बिल्कुल नहीं है, मतलब आपका टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं किया, बल्कि एक अच्छी और फ्रेश मूवी दी है अगर रीमेक को साइड में रख दे तो। मैंने तो इसे एंजॉय किया है, तुम भी जाके देखो एक बार, ट्राई करो, पैसा तो देना है नहीं तो एंजॉय करोगे आराम से। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली रिव्यू वीडियो में, बाय।